नमस्कार, खबरें देश बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। पंजाब सरकार ने तीजी ते चौथी जमात लई 27 जनवरी ते पहली ते दूजी जमात लई 1 फरवरी तो स्कूल खोलन दा फैसला किया। स्कूल सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने कहा कि बच्चों नूं स्कूल भेजण तो पहला मापिया वालों लिखती सहमति देनी होगी। मोहाली जिले के डेरा बस्सी के दो पोल्ट्री फार्मां विच बर्ड फ्लू के केसां की पुष्टि हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके असाम की तेजपुर यूनिवर्सिटी की सालाना कन्वोकेशन नूं संबोधन करनगे। कोविड 19 टीकाकरण मुहिम के कल पंजवें दिन 1,12,000 तो वध लाभपात्रियों का टीकाकरण किया गया। केंद्रीय कैबिनेट वालों जम्मू कश्मीर में 850 मैगावाट के पन बिजली प्रोजैक्ट 5200 करोड़ की रकम मंजूर। पंजाब सरकार ने छोटियां क्लासां लई 27 जनवरी तो प्राइमरी स्कूल खोलण दा फैसला किया है। स्कूल सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने दसा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सहमति तो बाद सरकारी सहायता प्राप्त ते प्राइवेट स्कूल तीजी ते चौथी जमात लई 27 जनवरी तो खुलणगे। इस तों बाद पहली ते दूजी जमात लई 1 फरवरी तो क्लासां लाउण दी इजाजत दित्ती जाएगी। सिक्ख्या मंत्री ने कहा कि बच्चों नूं स्कूल भेजण तो पहला मापिया नूं लिखती सहमति देनी होगी। सिंगला ने दसा कि स्कूलों का समा पहला वांग सवेरे 10 बजे तो बाद दोपहर 3 बजे तक होगा। मोहाली जिले के डेरा बस्सी विच दो पोल्ट्री फार्मां विच बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कुछ दिन पहला पशु पालन विभाग वालों डेरा बस्सी के वख-वख पोल्ट्री फार्मां विचों 300 के करीब सैंपल लए गए सन, जिन्हां नूं पहला जलंधर की लैब विच जांचा गया ते पुष्टि लई मध्य प्रदेश के भोपाल विचली NRDDL लैब विच भेजा गया सी। बर्ड फ्लू के खतरे के मद्देनज़र प्रशासन वालों केसां की पुष्टि वाले पोल्ट्री फार्मां की विशेष निगरानी की जा रही है ते पशु पालन विभाग दीआं हदायतों मुताबक अगले कदम चुके जाणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके असाम की तेजपुर यूनिवर्सिटी की 18वीं सालाना कन्वोकेशन नूं वीडियो कॉन्फ्रेंस राही संबोधन करनगे। प्रधानमंत्री दफ्तर के हवाले तो मिली जानकारी मुताबक इस कन्वोकेशन दौरान 1218 विद्यार्थियों नूं पास होने उपरंत डिग्रियां ते डिप्लोमे प्रदान किए जाएंगे। डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों विच अंडर ग्रैजुएट ते पोस्ट ग्रैजुएट के टॉपरों नूं गोल्ड मैडल प्रदान किए जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल नूं ध्यान विच रखदिआं यूनिवर्सिटी की इस बार कन्वोकेशन नूं डिजिटल ढंग नाल करवाया जा रहा है। केवल PhD स्कॉलर ते गोल्ड मैडल हासिल करने वाले विद्यार्थी ही व्यक्तिगत तौर ते कन्वोकेशन विच भाग लैणगे ते बाकी दे विद्यार्थियों नूं वर्चुअल माध्यम राहीं डिग्री ते डिप्लोमे प्रदान किए जाणगे। देश भर में कोविड 19 टीकाकरण मुहिम के कल पंजवें दिन 1,12,000 तो वध लाभपात्रियों नूं वैक्सीन लगाई गई। सेहत मंत्रालय के वधीक सकत्तर डॉक्टर मनोहर अगनानी ने नवी दिल्ली विच पत्रकारां नूं जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि बीते 5 दिनां दौरान सूबिआं ते केंद्र शासित प्रदेशां विच हुण तक 786,842 लाभपात्रियों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बीते दिन टीकाकरण लई 20 सूबिआं ते केंद्र शासित प्रदेशां विच 14,119 सैशन आयोजित किए गए। वधीक सकत्तर ने दस्सिआ कि टीकाकरण मुहिम के पंजवें दिन वैक्सीन के उल्ट प्रभाव का कोई भी केस सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण नूं वधेरे सुखाला करन लई कोविन सॉफ्टवेयर विच कुछ अहम सुधार भी किए गए ने। डॉक्टर अगनानी ने दस्सिआ कि मंत्रालय वालों जिला मैजिस्ट्रेट ते जिला टीकाकरण अधिकारियों नाल रोजाना समीक्षा मीटिंगां कीतियां जा रहीआं ने ते सैशन साइटां ते कोल्ड चेन बिंदुआं तो हरेक दिन फीडबैक लिया जा रहा है। भारत वालों अपने सहयोगी ते गुआंढी मुल्कां नूं कोविड 19 वैक्सीन उपलब्ध करवाउण दा अमल शुरू कर दिता गया है। कई मुल्कां वालों भारत सरकार नूं देश विच बनी कोविड वैक्सीन उन्हां नूं उपलब्ध करवाए जाण संबंधी बेनतियां कीतियां गईआं सन, जिस ते अमल करदिआं भारत वालों अपने गुआंढी मुल्कां सने होरनां कई देशां लई वैक्सीन भेजण दी मुहिम शुरू कीती गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं दस्सिआ कि वैक्सीन मैत्री पहलकदमी तहत पुटाम ते मालदीव लई भेजीआं गईआं खेपां उत्थे पहुंच चुकीआं ने। उन्हां दस्सिआ कि भारत वल्लों गुआंढी मुल्कां नूं पहल दी नीति दे आधार ते इह वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है। वैक्सीन की खेप भूटान पुजन ते उत्थों दे विदेश मंत्री तांदी दोरजी ने भारत का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड 19 महामारी खिलाफ लड़ाई विच भूटान का वधिया मित्र वजो साथ दिता है ते उन्होंने बिना किसी शर्त ते सेहत संभाल खेतर विच सहयोग दिता है। भारत वालों भूटान लई भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट वालों तैयार कोविशील्ड वैक्सीन दियां 1.5 लाख खुराकां भेजीआं गईआं ने।
मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि उन्होंने देश कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त करके खुशी महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस संकट की कड़ी में मालदीव को तुरंत सहायता उपलब्ध करवाद्या मजबूत भाईवाल का फर्ज निभाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के 850 मैगावाट के पण बिजली प्रोजैक्ट 5,200 करोड़ की रकम मंजूर की है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ चनाब दरिया से यह प्रोजैक्ट स्थापित किया जाएगा। कौमी हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ते कश्मीर राज बिजली विकास निगम लिमिटेड का यह साझा प्रोजैक्ट होगा। इस प्रोजैक्ट कौमी हाइड्रो इलैक्ट्रिक कारपोरेशन की 51% ते जम्मू कश्मीर बिजली निगम की 49% हिस्सेदारी होगी। केंद्र सरकार वालों जम्मू कश्मीर प्रदेश के 776 करोड़ की वाधू ग्रांट मुहैया कराई गई है ताजो सूबाई बिजली निगम अपने हिस्से मुताबक प्रोजैक्ट की उसारी लई लोड़ींदे फंड जुटा सके। रैटल हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट को 60 महीनों में चालू करने का टीचा निर्धारित किया गया है। इस प्रोजैक्ट के शुरू होने उसारी गतिविधियों तो इलावा होरना संबंधित कामों तो वड्डी गिनती में जम्मू कश्मीर के लोगों को रुजगार मिलेगा ते नाल ही समाजिक आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस प्रोजैक्ट लई रकम मंजूर करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष तौर पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मजबूत ते फैसलाकुन अगवाई हेठ जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई लई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए ने। राष्ट्रपति चोणों में जित हासिल करने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने अमरीका के 46वें राष्ट्रपति वजों सहु चुकी। 78 साल जो बाइडन अमरीकी इतिहास के सब तो वड्डी उम्र के राष्ट्रपति ने। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमरीका के 49वें उपराष्ट्रपति वजों हलफ लिया। वह दक्षण एशियाई ते गैर श्वेत मूल की पहली महिला है जिसने अमरीका के उपराष्ट्रपति का अहुदा संभालिया है। जो बाइडन ते कमला हैरिस ने वाशिंगटन दी यूएस कैपिटल बिल्डिंग विच बीती रात करवाए गए समागम दौरान सहु चुकी ते उन्हां दी चोण विच साथ देने वालियां दा धन्नवाद कीता। साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदायगी भाषण समय जो बाइडन प्रशासन नूं शुभकामनावां भेंट कीतियां ते रस्मी तौर ते वाइट हाउस दे कामकाज दी बाइडन प्रशासन नूं सपुरदगी कीती। इस मौके बाइडन ने अपने संबोधन विच कल दे दिन नूं जमहूरियत दा दिन करार दिता। उन्हां कहा कि अमरीका विच लोकतंत्र होर प्रफुल्लत होवेगा ते महामारी नाल होए नुकसान दी भरपाई लई नवे सिरों निर्माण कार्य आरंभे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन ते कमला हैरिस नूं अहुदियां दे हलफ लैण ते शुभकामनावां भेंट कीतियां। भारत ते फ्रांस विचाले डेजर्ट नाइट 21 नां दियां हवाई मशकां राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन विखे शुरू हो गई ने। 5 दिनां मशकां दे पहले दिन दोहां देशां दियां हवाई फौजां दे उच्च अधिकारियों वल्लों सद्भावना मीटिंग की गई ते एक दूजे की रोजाना समा सारणी का तबादला किया गया। भारत वालों इन्हां हवाई मशकों में सुखोई 30 राफेल मिराज ते IL-78 हवाई जहाज भाग लै रहे ने। यह पहली बार है कि भारत वालों अपने किसी हवाई मशक में हाल ही खरीदे राफेल लड़ाकू जहाज़ों को शामिल किया गया है। फ्रांस की हवाई फौज वालों इन्हां मशकों में 4 राफेल जहाज़ों को शामिल किया गया है। इस तों इलावा एयरबस A330 टैंकर ट्रांसपोर्ट ते होर हवाई ट्रांसपोर्ट संबंधी उपकरणों नूं इन्हां मशकों का हिस्सा बनाया गया है। भारत ते फ्रांस विचाले इन्हां हवाई मशकों का मकसद दोहां देशों दियां हवाई फौजां विचाले लड़ाई दियां नवीं तकनीकां ते रणनीतियां नूं सांझा करना है। ते बुलेटिन दे अंत विच चोणवीं खबरां एक बार फिर तो। पंजाब सरकार ने तीजी ते चौथी जमात लई 27 जनवरी ते पहली ते दूजी जमात लई 1 फरवरी तो स्कूल खोलण दा फैसला कीता। स्कूल सिख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला ने कहा कि बच्चों नूं स्कूल भेजण तो पहला मापियां वालों लिखती सहमति देनी होवेगी। मोहाली जिले के डेरा बस्सी के 2 पोल्ट्री फार्मां विच बर्ड फ्लू के केसां की पुष्टि हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके असाम की तेजपुर यूनिवर्सिटी की सालाना कॉन्वोकेशन नूं संबोधन करनगे। COVID-19 टीकाकरण मुहिम दे कल 5वें दिन 1,12,000 तो वध लाभपात्रियों का टीकाकरण किया गया। ते केंद्रीय कैबिनेट वालों जम्मू कश्मीर विच 850 मैगावाट के पण बिजली प्रोजैक्ट लई 5,200 करोड़ की रकम मंजूर। ते इस दे नाल ही खबरां दा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। आगे दिओ नमस्कार।